हाँ तो गाइस, आपने जो थंबनेल पे देखा बिल्कुल ठीक देखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डाटा कनेक्शन के इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के 500% वर्किंग मेथड बताऊंगा। लेकिन आपने वीडियो के किसी स्टेप को मिस नहीं करना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो यार मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेथड नंबर 1, ये मेथड कुछ लैपटॉप पे अप्लाई होता है, कुछ लैपटॉप पे अप्लाई नहीं होता है। इस मेथड में जस्ट हमने कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, उसको देखना है। अगर आपका ये मेथड करने के बाद भी डाटा कनेक्ट नहीं होता, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेसिक सेटिंग वाली हमारे पास मेथड है। समझ रहे हो आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है और मेथड 1 को यूज़ करेंगे। स्टार्ट बटन पे जाना है, इसके बाद कंट्रोल पैनल पे आपने जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है। इसके बाद नेटवर्क ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद एडवांस पे जाना है। यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर रीसेट को क्लिक कर देना है। दोबारा फिर हमने इंटरनेट ऑप्शंस पे जाना है, कनेक्शंस पे जाना है, इसके बाद लैन सेटिंग पे जाना है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग पे क्लिक करके हमने ओके कर देना। मेथड 1 का स्टेप नंबर 2 है कि हमने CMD यहाँ पर टाइप करना है। तो ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सेम वहाँ से देख के यहाँ पे राइट कर लेना है। जैसे ही आप राइट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपने इंटर का दबा के आपने अपने लैपटॉप को एक बार रीसेट कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रीसेट कर लिया अपने लैपटॉप को और हमारे पास यहाँ पे डाटा कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। नहीं, अगर फिक्स नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब मेथड नंबर टू में हम मैनेज पे जाएंगे। यहाँ पे मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे एक्शन पे जाना है। हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कोई भी एक आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, हम एक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये में जो अडैप्टर हमारा मिसिंग है वो उसको खुद ब खुद इंस्टॉल करके हमें दे देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही इंस्टॉल हुआ हमारे पास डाटा, जो हमारे पास वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ सिंपली हम पासवर्ड डाल के अपनी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अपने एक्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड हार्डवेयर, इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है मोडेम, और यहाँ पे इस बॉक्स को हमने अनचेक रहने देना है, चेक नहीं करना। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तुम्हारे पास वो इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तुम्हारे पास वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो रहे हैं, और तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम था नेट का वो सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास था मेथड 3। अगर इस मेथड के साथ भी आपका डाटा कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप मेथड फोर क्या है हमने यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाटा केबल लेके अपने लैपटॉप के साथ आपने नेट कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं कनेक्ट करने आता तो आप इस वीडियो को देख के डाटा केबल को यूजिंग करके इजीली यहाँ पे आप नेट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेट कनेक्ट हो जाएगा आपने यहाँ पे कंप्यूटर पे जाना है, मैनेज पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाना है, इसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क अडैप्टर्स पे जाना है, आगे हमें हमने प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे ड्राइवर पे जाना है, अपडेट ड्राइवर, यहाँ पे हमने ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। ये फास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तुम्हारे पास ड्राइवर जो हमारे पास वो अपडेट हो जाएगा। तो एज पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो वहाँ पर हम मेथड नंबर 5, हमने गूगल क्रोम पे जाना है, इसके बाद हमें ड्राइवर पैक सॉल्यूशन लिखना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करना है, इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारे पास वो फाइल जो है नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वो डाउनलोड हो जाएगी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद तो आपने यहाँ पे ओपन एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि इंस्टॉल ऑल 7 ड्राइवर्स ऐसे इसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो आपने सिंपली नेक्स्ट नीचे जाना है और इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा आपके, थोड़ा बहुत कुछ टाइम प्रोसेसिंग का लेगा। प्रोसेस होने के बाद आपने जस्ट अपने लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।